जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हरीश चंद्र, आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम डोज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का मुख्य भूमिका झारखंड सामान्य ज्ञान हेतु पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना है। तो इससे पहले एक बात मैं बता देना चाहूँगा, झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए जो JSSC CGL का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जो झारखंड JSSC के साइट पर एक सूचना अपलोड हो चुका है 4/10/2019 को। जिनके जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि विस्तारित कर दी गई है, जो 12/11/2019 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की विस्तारित तिथि 16/11/2019 तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की विस्तारित तिथि 19/11/2019 कर दी गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधित करने की विस्तारित तिथि 20/11/2019 से 22/11/2019 की मध्यरात्रि तक कर दी गई है। तो अभी हम जानेंगे कि झारखंड के सिलेबस में कुल 70 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा में 30 प्रश्न तथा मुख्य परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनके सिलेबस इस प्रकार हैं। झारखंड राज्य से भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पूछे जाएंगे। ये झारखंड के सिलेबस हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं कि झारखंड राज्य के भूगोल में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो आइए अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड राज्य के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार, भौतिक विभाग, जलवायु, नदियाँ, नदी घाटी परियोजना, विद्युत परियोजना, जलप्रपात, गर्म जल कुंड, मिट्टी, कृषि, सिंचाई, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम झारखंड के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। झारखंड के इतिहास में नामकरण, पुरातत्व स्रोत में झारखंड, झारखंड के प्राचीन राजवंश, वैदिक काल में झारखंड, महाभारत काल में झारखंड, झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड, पूर्व मध्यकाल में झारखंड, मुगल काल में झारखंड तथा झारखंड का मध्यकालीन इतिहास से सल्तनत काल में झारखंड, मुगल काल में झारखंड तथा उत्तर मुगल काल में झारखंड, ये झारखंड के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे इन चैप्टरों से। तो आइए अब झारखंड के सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति एवं भाषा, जिसमें झारखंड की जनजातियाँ संथाल, उराव, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, भूमिज, लोहरा, गोंड, महली, शोरिया पहाड़िया, चेरो, बेदिया, चीक बड़ाइक, माल पहाड़िया, कोरा, परहिया, किसान, कोरवा, बिझिया, असुर, सबर, खोंड, बिरहोर, गोड़ाइत, करमाली, बिरजिया, बैगा, बथुड़ी, बंजार, कवर, कोल, लोक नृत्य, लोकगीत एवं संगीत, लोकनाटक, वाद्य यंत्र, चित्रकला, भाषा एवं बोलियां, मेले एवं पर्व त्यौहार, जनजातीय साहित्यकार, संस्कार एवं परंपरा, विवाह पद्धति, निषेध एवं प्रतीक एवं डायन प्रथा, सदान। तो इन सभी चैप्टरों से झारखंड की सभ्यता और संस्कृति एवं भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से झारखंड में आप जानते हैं कि 32 जनजातियां हैं जिनके संस्कृति के, भाषा एवं उनके कल्चर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं कि अगले क्या क्या टॉपिक है इसके बारे में हम जानेंगे। अब स्थान, एक चैप्टर स्थान है जिसमें से झारखंड में प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम भौगोलिक उपनाम, व्यक्ति और उपनाम, खेल एवं खिलाड़ी, झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, झारखंड के प्रमुख अभियान, झारखंड में उग्रवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खान खनिज से झारखंड का खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, संचार के साधन, जनसंख्या, झारखंड की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के सहित तथा झारखंड की विकास योजनाएं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है
राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें जनजातीय विद्रोह हैं, जो धाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, चेरो आंदोलन, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सपाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा मुंडा का उलगलान विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, ईसाइयों का आगमन, 1857 का विद्रोह एवं झारखंड, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, झारखंड में बहावी आंदोलन, उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन और झारखंड आंदोलन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो करेंट अफेयर्स समसामयिकी से आधारित होंगे। तो इस प्रकार से ये झारखंड का सिलेबस है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही एक एक टॉपिक प्रतिदिन से आपको 25-25 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के हिसाब से मैं सॉल्व कराऊंगा और उसकी व्याख्या भी करवाऊंगा। तो उसके बाद आपके 70 प्रश्न का तैयारियां हो जाएगी। तो इतना ही। तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि ये वीडियो आपके मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें तथा सब्सक्राइब इस चैनल को करें तथा लाइक्स करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके रेगुलर वीडियो मिल पाए और आपके परीक्षा के तैयारी में ये वीडियो सहायक बन सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।